टुडे वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 9. द नेम ऑफ द चैप्टर इज करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक रीड करते हैं 9.1, सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट. हमारे पास जो सीधा करंट आ रहा है, डायरेक्ट करंट आ रहा है, ठीक है, जिसको हम डीसी भी बोलते हैं. डायरेक्ट करंट मतलब डीसी, उसके सोर्स क्या हैं. इन 1800 एलेक्जेंड्रो वोल्टा ऑफ इटली इन्वेंटेड द सोर्स ऑफ करंट कॉल्ड बैटरी. सबसे पहले करंट का सोर्स कौन आया, बैटरी. द अमेजिंग फीचर ऑफ वोल्टा बैटरी वॉज दैट इट कंटेन्स इट कुड मेंटेन अ रिलेटिवली लार्ज कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ चार्ज और कॉन्स्टेंट करंट फ्लो फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो क्या है, जो बैटरी निकाली थी वोल्टा ने, उस बैटरी का क्या फ़ायदा था कि वो बहुत ही लंबे समय तक हमें कंटिन्यूसली करंट दे रहा था. जैसे हमारे बैटरी अब हम यूज़ करते हैं, वही वाली बैटरीज, ठीक है, उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हो गई है, लेकिन बेसिक आइडिया ऑफ द मेकिंग बैटरीज आर सेम. वोल्टा इन्वेंशन ऑफ द बैटरी ओपन द डोर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विद करंट इलेक्ट्रिसिटी. अब उसने इन्वेंट कर दी, तो अब लोगों को, बाकियों को भी एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिल गया, क्योंकि उनको भी होप मिल गई कि हाँ, ऐसी चीज़ें बन सकती हैं. करंट्स आर नाउ यूज एवरीवेयर इन होम्स, करंट स्कूल्स, लेबोरेटरी, इंडस्ट्रीज एंड कम्युनिकेशंस, एंटरटेनमेंट, बिजनेस, मेडिसिन एंड इवन इन द स्पेस ट्रेवल. वोल्टा बैटरी कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ सेल्स, ईच सेल कंसिस्ट ऑफ अ कप कंटेनिंग साल्ट सोल्यूशन, अ डाइल्यूट एसिड एंड अ सिमिलर मेटल सच एज सिल्वर एंड जिंक. डिसिमिलर मेटल, सॉरी. ठीक है, अब क्या है कि अब तो हम इलेक्ट्रिसिटी हर कहीं पे यूज़ करते हैं. जो वोल्टा, उसने बोला कि जो वोल्टा बैटरी थी उसमें क्या था, बैटरी किससे बनती है, सेल से. ये एक सेल है, ठीक है, तो उसने नंबर ऑफ सेल्स जो हैं, जैसे ये 3 सेल हो गए, ऐसे आपस में कनेक्ट किए थे. ठीक है, बैटरी क्या है, सेल्स को लगा लगा कर, सेल्स के कॉम्बिनेशन को बैटरी कहते हैं. तो वोल्टा बैटरी भी वही से सेल से बनी थी. सेल में ईच सेल क्या था, ईच सेल ऐसा था जैसे एक कप होता है, कप के अंदर सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन के साथ उसमें दो रॉड्स, दो मेटल रॉड्स हैं, दोनों डिफरेंट होगी, एक मोस्टली सिल्वर होती थी, एक जिंक होती थी, और इसमें जो लिक्विड डाला था, जो सोल्यूशन था, दैट वाज सॉल्ट सोल्यूशन. ठीक है, अब वो बोलते हैं कि अनदर टाइप ऑफ सेल कंसिस्ट ऑफ क्लोथ सोक्ड विद आ सोल्यूशन. अब इसमें सीधा सोल्यूशन डाला हुआ था. जो दूसरी टाइप का सेल था, उसमें क्या किया था, एक कपड़ा डालते थे जिसको, जिसमें सोल्यूशन सोक किया होता था, उसमें जैसे सोल्यूशन में भिगो के उसको, उसने कपड़े ने सोल्यूशन को प्रॉपरली अब्जॉर्ब कर दिया. ठीक है, वो कपड़ा लेके उस कपड़े को दो मेटल्स के बीच में सैंडविच किया था. मतलब सेंटर में आपका कपड़ा है, साइड में एक मेटल, इस दूसरी साइड में दूसरी मेटल, टू मेटल शेप. ठीक है, डिस्क की शेप की होती थी, जैसे गोल्ड रिंग है ना, ये डिस्क की शेप की होती थी उसमें. ठीक है, ये सेकेंड वाला ऐसा है, इसमें कपड़ा सेंटर में रख के, जो सोक्ड, जिसमें सोल्यूशन सोक्ड वाला क्लोथ होगा उसको सेंटर में रख के, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया, ये सेंटर में रख के साइड में क्या है, दोनों मेटल्स हैं. ठीक है, नेक्स्ट आ गया. अब सेल, डज द सेल बिकम द सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट व्हेन अ सेल और बैटरी इज यूज्ड इन सिंपल करंट एंड इलेक्ट्रॉन फ्लो इन द वन डायरेक्शन ओनली. द सेल प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट करंट, द सर्किट इज कॉल्ड द डायरेक्ट करंट सर्किट. अब क्या है, जब हम किसी सिस्टम में, मैंने मान लो इस सेटअप में आपको लगा दिया, ठीक है, ये क्या लगा दिया मैंने, बैटरी लगा दी या सेल लगा दी, जो भी लगाया. ठीक है, अब क्या है कि इसमें क्या होता है, करंट एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, जाएगा, अगर ऐसे जा रहा है तो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा. ठीक है, अब जैसे हम क्या करते हैं, एक सर्किट बनाते हैं, बाकी मैं एक्सप्लेन करूँगी, यू कैन रीड बाई योर सेल्फ. ठीक है, अब क्या है कि जब भी कोई सर्किट बनाते हैं, सर्किट में कंपोनेंट्स होते हैं. कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, एक हो गया हमारे पास बैटरी, दूसरा हो गया स्विच, ये वायर्स, और चौथा क्या हो गया, लोड. लोड बल्ब हो सकता है, आप छोटा सा फैन लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो. ठीक है, इसको लोड बोलते हैं. बैटरी कनेक्टिंग वायर्स, की, ठीक है, की या स्विच, ठीक है, इसको बोल सकते हो. या ये क्या है, लोड है, ये आपका सारा सिस्टम है. स्विच से हम क्या करते हैं, स्विच को अगर हम दबा देंगे तो करंट फ्लो करने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना कनेक्शन लूज, मतलब यहाँ पे भी दोनों ये और ये कनेक्टेड नहीं है. जब नहीं कनेक्टेड होगी तो करंट फ्लो नहीं करेगा. जब मैं इसको प्रेस करके इसके साथ कनेक्ट कर दूंगी ना, तो एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करना शुरू कर देगा. ठीक है, तो स्विच का काम यही है कि कब हमने चलाना है और कब हमने करंट को फ्लो करना है, करवाना है, कब नहीं करवाना. नेक्स्ट आ गया सेल. अब क्या है, सेल जो होता है, सेल में एक सोल्यूशन होता है, दो मेटल्स होती हैं, हमने पीछे भी पढ़ा है.
ठीक है. तो सेल द सेल एसेंशियली कंटेन्स टू मेटल प्लेट्स ऑफ डिफरेंट मटीरियल इमर्स्ड इन सूटेबल सॉल्यूशन. ठीक है, सेल में क्या होता है, एक प्लेट्स होती हैं और एक सॉल्यूशन होता है. जो प्लेट्स होती हैं उसको इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं और जो सॉल्यूशन होता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, जो प्लेट्स हैं वो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोड्स होंगी और सॉल्यूशन क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा. ठीक है, अब इस जब इसमें इस वे से जो आपकी रॉड्स होती हैं वो इस वे से होती हैं कि एक रॉड जो होती है पॉजिटिवली चार्ज होती है और दूसरी नेगेटिवली चार्ज. केमिकल एक्शन करवा के ऐसे बनाया जाता है कि जो इसमें से एक प्लेट होती है ना, दो प्लेट्स हम यूज़ करते हैं ना, रॉड्स हम दो यूज़ करते हैं, एक पॉजिटिव पोटेंशियल भी होती है दूसरी नेगेटिव पोटेंशियल भी होती है. ठीक है, अब क्या है कि उससे अलग अलग चार्जेस होने से एक फोर्स आती है जिसको हम EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आती है. उस फोर्स के आने से क्या होता है, जो है करंट वो फ्लो करने लगता है जब हम उनको कनेक्ट करते हैं आपस में वायर्स की हेल्प से. ठीक है, अब जितना भी EMF जो फोर्स आएगा, ठीक है, एक पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी, तो अब EMF प्रोड्यूस हो गया, फोर्स प्रोड्यूस हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. वो फोर्स की स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी कि हमने कैसी वाली इलेक्ट्रोड यूज़ की हैं, कैसी वाली मेटल्स यूज़ की हैं और कैसी वाली हमने सॉल्यूशन को यूज़ किया है, कैसा सॉल्यूशन यूज़ किया है. दस इन द सेल केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल सर्किट. जब इसको मैंने एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट कर दिया है तो जो मेरी ये जो अंदर जो केमिकल था ना, केमिकल कौन था, इलेक्ट्रो लिक्विड था जिसको मैं इलेक्ट्रोलाइट बोल रही हूँ, और जो बीच में मेटल्स थी इलेक्ट्रोड्स, वो आपस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करके क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होगा और उनके कारण इनमें जितनी भी केमिकल है, केमिकल एनर्जी है, वो किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और वो करंट के फॉर्म में फ्लो करना शुरू कर देगी. नेक्स्ट आ गया टू टाइप ऑफ सेल, एक होता है प्राइमरी सेल, एक होता है सेकेंडरी सेल. ठीक है, मैं आपको ये पढ़ लेना, मैं आपको डिफरेंसेस बता देती हूँ बिकॉज डिफरेंस विल कम्प्लीट द होल टॉपिक. ठीक है, आप रीड कर लेना एक बार. सबसे पहले प्राइमरी सेल क्या होता है, इट कैन नॉट बी रिचार्ज्ड. जैसे हमारी बैटरी, जैसे हमारा सेल हो गया जो हम घड़ी में डालते हैं, वो एक बार यूज़ कर दिया तो दोबारा तो हमने फेंक के नए डालना पड़ेगा ना, तो वो रिचार्ज नहीं कर सकते. सेकेंडरी सेल इट कैन बी रिचार्ज, जैसे फ़ोन की बैटरी होगी उसको हम दोबारा दोबारा चार्ज कर सकते हैं, वो सेकेंडरी है. केमिकल रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल मतलब जो रिएक्शन एक बार हो गई, रिएक्शंस पूरी होने के बाद आपका सेल डेड हो गया तो आप वापस उस रिएक्शन को वापस वो नहीं हो सकती. ठीक है, वो इरिवर्सिबल है. अगर यहाँ से इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट ने आपस में रिएक्शन करके कुछ बना दिया है तो वो वापस इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस रिवर्सिबल है. ठीक है, दोनों डायरेक्शंस में जाएगा. जब यूज़ कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट आपस में रिएक्ट करेंगे, जब हम उसको चार्ज कर रहे हैं तो वो वापस जो है, जो रिएक्शंस है वो वापस जाके वो पहले अपनी इनिशियल स्टेज में, जैसे इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोड में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट. ठीक है, पता है केमिकल रिएक्शंस होगी वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा. दूसरी साइड पे क्या है, पहले जब हम उसको यूज कर रहे हैं इसमें तो क्या होगा, पहले केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी. ठीक है, लेकिन जब हम उसको चार्ज करेंगे, चार्ज करने के बाद क्या होगा, चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी देते हैं ना, तो जब हम चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वापस केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. इसी कारण ये इरिवर्सिबल है, क्योंकि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है जब हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं. इसमें हाँ भाई, जब यूज़ करेंगे तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, लेकिन जब हम उसको चार्ज लगा देंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम पीछे से इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं वापस केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, तभी हम उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं. इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज हाई. इंटरनल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, होता है रेजिस्टेंस का मतलब होता है कोई भी चीज़ ऐसी जो उसके फ्लो को, उसके करंट के फ्लो को कम करती है. मान लो यहाँ से यहाँ तक आपने जाना है, आपके रास्ते में जितनी ज़्यादा रुकावटें होंगी उसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है. अगर कम रुकावटें होंगी तो रेजिस्टेंस लो है. तो प्राइमरी सेल के केस में जब करंट फ्लो करता है तो सेल के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस, रुकावटें होती हैं, वो करंट को फ्लो करने नहीं देती, जब कम फ्लो होता है जिसके कारण. ठीक है, लेकिन इसमें जो रेजिस्टेंस है वो कम होती है. ठीक है,
ये आ गया है, अ वीक करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट। ठीक है, अब देखो इन सेल में से जब हम इन सेल में से कोई भी चीज़ चलाएंगे ना, तो वो छोटी चीज़ होगी जिसको कम लाइट की ज़रूरत होगी, जब कम इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी, छोटी। लेकिन बड़ी चीज़ें ऐसे नहीं कि हम प्राइमरी सेल से हम अपनी फ्रिज को ऑन, ये नहीं पॉसिबल है। छोटी मोटी चीज़ें जैसे क्लॉक हो गया, जैसे घड़ियाँ होगी, छोटी मोटी चीज़ें हम प्राइमरी सेल से चला सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें जिनके लिए बहुत ज़्यादा करंट की ज़रूरत है, वो हम सेकेंडरी सेल से यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आ गई वोल्टिक सेल, लेकलेंचे सेल, डेनियन सेल, ड्राई सेल। ठीक है, तो ये आ गया एग्जाम्पल, आ गई लेड एसिड एक्युमुलेटर, एल्कली एक्युमुलेटर। ठीक है, जस्ट रीड द टॉपिक 9.1 एंड 9.2 एंड एट द डे ऑफ अवर जूम क्लास वी विल डिस्कस अबाउट इट।